हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं गोवा। हम दो बाइक्स है, एक मेरी और एक दोस्त की। तो मैं, जहीर, ऋषेल और अपना छोटे, हम चार लोग जा रहे हैं गोवा। सो आई होप बारिश ना आए, क्योंकि सुबह से बहुत बारिश गिरी है। सुबह से अभी थोड़ी बंद हो गई है, अच्छा है, आसमान थोड़ा बहुत साफ हो गया है। हाँ, तो जहीर आ रहा है मीरा रोड से और मैं अभी जा रहा हूँ मोहिनी को पिकअप करने। उसको पिकअप कर फिर वो लोग मुझे तीनाथ नाका मिलने वाले और वहीं से हम लोग आगे का सफ़र तय करेंगे। सो राइट नाउ इज 3:23 और तो मैं अभी जहर का इंतज़ार कर रहा हूँ। ही इज जस्ट इन नितिन कंपनी। सो व्हेन, तो जब वो आएगा तो हम लोग आगे चालू पड़ेंगे। आ चुके हैं भाई, क्या बोलता है? एकदम बढ़िया, मस्त। चलो, हाँ स्ट्रेट। हाँ सही, मस्त। अरे यहाँ सपोर्ट भी मिलता है ऐसा जरा। चल तो अभी बजे 5 और अभी हम लोग पहुंच गए खोपोली। थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे यहाँ पे और फिर निकलेंगे। मुंबई से खोपोली तक रास्ते अच्छे है, बस खोपोली का यहाँ पे एक दो पैच है थोड़ा, वो थोड़ा सा खराब है। बाकी तो अब तक तो रास्ते अच्छे लगे हम लोग को, मतलब पूरा मस्त हाईवे। अभी आके देखेंगे, आई होप अच्छा हाईवे हो और बारिश ना आए, बस इतनी दुआ करते हैं। तो अभी हमें खोपोली घाट में, अमेजिंग। फॉग देखो भाई, फॉग अंदर में, फॉग माफ कसम कुछ दिख नहीं रहे। आगे जाएगा नहीं बाबा, बस इस गाड़ी के पीछे पीछे चलेंगे हम। डोंट टेक रिस्क, रिस्क नहीं उठाएंगे। बाप रे, इतना सारा। और रात का समय, इसलिए मेरे को और थोड़ा सा बहुत ये लग रहा है, थोड़ा सा यू नो। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी 6:30 बजे है और अभी हम लोनावाला के आगे है। आई डोंट नो एक्चुअली हम लोग कहाँ है अभी, पर गुड। अभी का जो क्लाइमेट है यहाँ पे बहुत ठंडा है। आप देखो यहाँ पे पूरा पूरा फॉगी नेचर है, एकदम मस्त बढ़िया। रोड्स बहुत अच्छे हैं, बस बीच बीच में कोई कुछ पैचेस है वहाँ पे, बस थोड़ी सी ऐसा थोड़ा सा ऐसे गड्ढे वगैरह है, बाकी रोड्स आर रियली ऑसम। अभी रोड ऑसम बोला तो पूरा रोड का ये क्या है, गंदगी आ गई क्या यार। तो अभी हम पुणे पहुंच गए हैं और यहाँ पे पोहा मंगवाया है। होटल का नाम है होटल दिल्ली दरबार, मस्त एकदम मजा आ रहा है। बाहर बहुत सारा, बहुत लंबी ट्रैफिक लगी हुई है, ट्रक से पूरी लाइन लग, एक या दो किलोमीटर तक पूरा ट्रैफिक जमा है। इसलिए बोला थोड़ा बैठते हैं, खाते हैं और फिर निकलते हैं।
तो अभी 8 बज चुके हैं और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी डायरेक्ट सीधा कोल्हापुर में रुकेंगे और लंच करने के लिए। ये अपना होटल है, होटल न्यू दरबार, अभी निकलता है। 8 बज चुके और बहुत लेट हो चुका है। लेट्स गो। तो अभी बज गए हैं 9 और हम अभी सातारा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। क्लाइमेट अच्छा है, बारिश अभी बंद हो गई है। पहले देखा तो पहला बहुत बारिश गिरी पर अभी बारिश नहीं है, तो दैट इज गुड। आप नेचर देखो यार, क्या दिख रहा है। ओहो, सामने एक टनल। क्या सीन दिख रहा है देखो, अमेजिंग। अभी बजे है 10:50 और हमने अभी सातारा क्रॉस किया है। लगभग यहाँ से 140 किलोमीटर दूर कोल्हापुर है, जो वहाँ पे हम लोग लंच करने वाले हैं। ऐसा डिसाइड तो वहाँ पर देखेंगे। तो चलो, अभी तो बारिश नहीं गिरी है, पनवेल के बाद जो है वो बारिश नहीं गिरी। बस धूप निकले तो पूरे हैंड ग्लव्स वगैरह पूरे सूख गए, एंड द वेदर इज लुकिंग वेरी प्लेजेंट। पनवेल के बाद, सॉरी पुणे के बाद यहाँ पे कोई बारिश वगैरह कुछ नहीं है और रोड आर मक्खन। सीरियसली हम लोग 100 के ऊपर ही बाइक चला रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत। दिस इज NH4। अभी कोल्हापुर जो है 114 किलोमीटर, 114 किलोमीटर बाकी है कोल्हापुर। सही है, तो अभी वी आर जस्ट रिफ्यूलिंग नाउ। तो कोल्हापुर से हम लोग लगभग 100 किलोमीटर दूर है अभी, और जहीर आगे 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 गया है वो, तो हम जो जस्ट रिफिल करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और आगे निकल पड़ेंगे। चलो, तो चलो अभी निकलते इधर से, ताकि कर लिए फुल। आते वक्त तो कुछ 645 रुपीस का पेट्रोल डाला था और अभी डाला है 485, तो लगभग 1000 रुपये का अभी पेट्रोल डाला हुआ है। देखते हैं, अभी 100 किलोमीटर बाकी है, 100 किलोमीटर बस कोल्हापुर तक, उसके बाद और आगे जाना है हमें गोवा। आई एम टोटली एक्साइटेड फॉर दिस, एंड मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली बोला जाए तो बहुत मज़ा आ रहा है राइड करने में। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई थी रात को, क्योंकि बारिश भी थी और यू नो मेरी हेडलाइट इतनी पावरफुल नहीं कि मुझे कुछ दिखाई दी सामने का, तो थोड़ी दिक्कत हुई। पर जब उजाला हुआ, जब सनराइज हुआ, उसके बाद जो गाड़ी भगाई है मैंने और हाईवे पे इतना मज़ा आया है। तो अभी प्लान ये है कि कोल्हापुर में जाके हम लोग लंच करने वाले हैं और वहाँ से आगे फिर गोवा के लिए निकलेंगे। तो गोवा में मुझे लग रहा है लगभग 4-5 तो बजने वाले हैं। देखते हैं अभी कैसे, आराम से जाएंगे, आराम से सब कुछ करेंगे। ज़्यादा प्रेशराइज और ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं करने वाला, आराम से पहुँचेंगे
और आराम से सब कुछ करेंगे। तो अभी 1:30 बजे है और हम इस होटल में रुके थे, ऑरेंज होटल। यहाँ पे मस्त खाना खाया हम लोगों ने, चिकन हंडी एंड क्या पनीर एंड पनीर मसाला। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं और लगभग 4 घंटे और लगेंगे पहुँचने को। चलो, तो अभी लगभग 2 बजने को आए हैं हम लोग जो इस होटल में रुके थे। होटल का खाना लाजवाब था, मस्त था। तो अभी जो हमने जो ये पुल क्रॉस किया, यहाँ पे सब पानी था पहला। वो जो कोल्हापुर में जो बाढ़ आई थी, वो पूरा पानी यहाँ पे धस गया था। अभी पीछे मैंने देखा वो सब, कितना ऊपर तक था मतलब पानी। Look at the view, outstanding, बस जबरदस्त दिख रहा नजारा। ये हाईवे है, अपन को यहाँ पे जाना है, ये वाला रोड जो अपन को अपने गोवा पे लेके जाएगा। तो चलो, अभी इसका बैटरी भी डाउन है अभी, तो शायद मैं कुछ आपको दिखा पाऊँगा। हमने अभी गोवा एंटर कर लिया है। तो फाइनली हम गोवा पहुंच गए। एक्चुअली कल रात को हम लोग तकरीबन 8 बजे पहुंच गए, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था गोवा में भी, बहुत ट्रैफिक मिला। फिर भी ये 7 बजे पहुंचा, मुझे पहुंचने के लिए 8 बज गए, क्योंकि मुझे रास्ते पता नहीं थे, तो वो मैप में देख देख के आराम से आ रहा था मैं। सो एक एडवाइस, आओगे तो बेलगाम से आना, सावंतवाड़ी से मत आना, बहुत बेकार रोड है। क्योंकि सातारा टू कोल्हापुर एकदम मस्त राइड हुआ, मतलब कोल्हापुर पूरा हाईवे जो है अपना मेन, पुणे टू कोल्हापुर मस्त था। बट उसके बाद ट्रैफिक तो बीच में लगी, और रोड भी इतने खराब थे कि बता ही नहीं सकता। और बारिश, कौन सा वो घाट, अम्बुली घाट में इतनी बारिश आ गई, मेरे टैंक बैग में भी पानी घुस गया था, पूरे कपड़े भी ये लोग यहाँ पे अगर देखोगे सब सुखाने रखे हैं। पर हुआ, एंजॉय हुआ, और मैंने अपना खुद का रिकॉर्ड बनाया। मैंने अपना पहला जो रिकॉर्ड था 255 किलोमीटर्स जो सातारा राइड था, वो मैंने ब्रेक करके यहाँ अभी किया है। कितना, 550 ना, नहीं 603 हुआ, वेरी स्पेसिफिक 603 हुआ। 603 किलोमीटर है अभी ये मेरा बेस्ट रिकॉर्ड है मेरा, सही है, मजा आ गया। पर और अभी राइड का और रिकॉर्ड बढ़ेगा। पर हाँ, आने के बाद मतलब इतना मुझे लगा था कि मेरा पूरा बैक पेन हो जाएगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी मस्त फ्रेश हूँ। अभी बजे कितने है, 10 बजे ना, 10:35 बजे, तो हम लोग 11:30-12 बजे निकलेंगे। और अब ये सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, वीडियोस थोड़े खराब आए हैं, क्योंकि न्यू कैमरा था तो उसकी क्वालिटी का कुछ मुझे अंदाजा नहीं था, तो आई थिंक या बहुत बैड क्वालिटी है एडजस्ट का, पता नहीं या उस प्रोडक्ट का डिफॉल्ट कुछ प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में कुछ तो रहेगा, आई डोंट नो, देखते हैं। अभी बनाएंगे, कुछ तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो चलो, गुड नाइट, नहीं अभी गुड मॉर्निंग है भाई। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही,
अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, गोवा के और दो तीन व्लॉग आएंगे अपने। तो आज के लिए अच्छी बस इतना ही, खुश रहो, मस्त रहो, लव योर लाइफ एंड चेस योर ड्रीम्स।